नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रेल एक्सचेंज यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का ये वीडियो बेसिकली एक ट्रेन जर्नी होने वाली है। आज जिस ट्रेन में हम जर्नी करने वाले हैं वो है हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा जंक्शन और रक्सौल जंक्शन के बीच हफ्ते में 2 दिन चलती है। और आज हमारी जर्नी शुरू होगी आसनसोल जंक्शन से। और दोस्तों, जर्नी शुरू करने से पहले मैं आपको इस ट्रेन के बारे में कुछ जानकारी दे देना चाहता हूँ। आज इस ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं, इस ट्रेन का नाम है हावड़ा रक्सौल एक्सप्रेस। और हावड़ा जंक्शन से ये ट्रेन हर बुधवार और शुक्रवार को रात के 10:55 पर रवाना होती है। और 699 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये रक्सौल जंक्शन पहुँचती है दोपहर के 1:35 पर। और इस ट्रेन के टोटल 17 हॉल्ट हैं। ICF ब्रेक के साथ चलती है ये ट्रेन, जिस ट्रेन में सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और सेकेंड सीटिंग यानी कि जनरल क्लास के कोचेस अवेलेबल है। और इस ट्रेन से जुड़ी फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं। आज की जो जर्नी होगी उसका पूरा डिटेल्स हम आपको देने वाले हैं, आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। वैसे हावड़ा जंक्शन से रक्सौल जंक्शन तक इस ट्रेन की जो टोटल दूरी है वो है 699 किलोमीटर की, लेकिन हम आज तय करेंगे 433 किलोमीटर की, क्योंकि हमारी जर्नी होने वाली है आसनसोल जंक्शन से बैरगनिया स्टेशन तक। और हमारी गाड़ी आज आसनसोल आने वाली है रात के 2:24 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। मिलते हैं आपसे सीधे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने से पहले। दोस्तों, फिलहाल तो आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पे और हमारे बगल में खड़ी हुई है राजेंद्र नगर दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस, जो कि अभी राजेंद्र नगर से आई है और ये दुर्ग जाएगी। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है आसनसोल जंक्शन। फ्रेंड्स, कल का जो डिपार्चर था वो आपको दिखा नहीं पाए, क्योंकि कल सामान लोड करते और ट्रेन में चढ़ते तो बहुत टाइम हो गया था, इसलिए कल का डिपार्चर आपको दिखा नहीं पाए। फिलहाल तो है अभी दिनकर गांव सिमरिया में और गाड़ी हमारी अभी 1 घंटा बिफोर चल रही है, इसलिए अभी गाड़ी को रोक दिया गया है। यहाँ पे आउटर बरौनी आउटर पे रोक दिया गया है। और कल जब डिपार्चर का टाइम पे गाड़ी भी थोड़ा लेट से आई थी और बहुत सारा सामान लगे थे था, तो इसलिए शूट करने का टाइम नहीं मिला था, तो इसलिए कल रात का और शूट नहीं किए, इसलिए कल का जो डिपार्चर है आपको दिखा नहीं पाई, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। और आगे डिस्कस करेंगे बरौनी के बारे में, बरौनी जंक्शन जब ट्रेन एंटर करेगी उसका अराइवल दिखाएंगे आपको, और बाकी आगे की जानकारी आपको वीडियो में मिलती रहेगी। और आखिरकार कल दोपहर को करीबन 2 बजे हम लोग बैरगनिया पहुँचे। गाड़ी 1:40 लेट थी। कल बैरगनिया में इस ट्रेन का टाइम था 12:04 पे, लेकिन दरभंगा से खुलने के बाद गाड़ी बहुत जगह पे चेन पुलिंग हुआ था और इसके वजह से गाड़ी यहाँ पे लेट पहुँची थी। तो दोस्तों, यही था छोटा सा ब्लॉग ट्रेन जर्नी। और आज की ये जो ट्रेन जर्नी थी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर ऐसे ही आप ट्रेन जर्नी देखना चाहते हैं तो वो भी बताइए आप कमेंट पे। और फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में किसी अन्य ट्रेन की जानकारी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुस्त रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, जय भारत।